चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। जगह तो बड़ी बेहतरीन ढूंढी है, तेरी भाभी को बड़ी पसंद आएगी। उस्ताद कितने दिन भाभी तो भी ले आऊंगा। अरे आप ते दाद उस्ताद, आप ते दाद, यहाँ दो दाद दिल ले भी लेते हैं और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। और चलो फिर मोबाइल निकाल, काला शाला लगा, माल बनाए लगा, ऐसे लगा चलने का लेते जान दीजे। बड़े मजे लेके लखनऊ ही लान दीजे। इतनी प्यारी लड़की तुम लोगों को चुड़ैल लग रही है, खोता कहीं का। थर थर बताओ तुम दोनों माई। मैं इस घर की मालकिन हूँ बच्चू, और तुम दोनों कौन हो? हम चोर हैं। हाय हाय, ओए घर में चोर आ गए। निजामुद्दीन मुस्तकीम। उताद भाग 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 भाग। मुस्तकीम महमूद। वाह वाह, नीचे घर में ना दो दो महमूद हैं शहाब। अरे क्या कह रही हो भाई? हाँ हाँ, अभी अभी मैंने ना दो वो बाहर देखे। वो क्या? वो जो बड़े खतरनाक होते हैं स्कूल। भूत? और नहीं नहीं, वो जो पैसे मांगते हैं। फकीर? अरे भाई, लेकिन फकीर घर के अंदर कैसे घुसा है चोरों की तरह? हाँ हाँ हाँ, चोर चोर, नीचे ना दो चोर आए हैं मनीर। क्या? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता बोलो। एक काम करते हैं, नबील और खूबसूरत को चल के बताते हैं। चलो 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 आहिस्ता। नबील, अगर इन्हें हार्ट अटैक हुआ होता तो ये यहाँ ऐसे खड़े होते? जानू ये भी तो हो सकता है, महमूद साहब चलते फिरते मरना चाह रहे हो। अगर मुस्तकीम चलते फिरते मर गए तो मैं तो चलते फिरते माँ जी टेंशन क्यों ले रही है? मैं चलते फिरते आपकी दूसरी शादी करा दूंगा। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मुझे कुछ नहीं हुआ, चंगा भला हूँ तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा नजर नहीं आ रहा, अंधे हो गए हो क्या? अरे घर में चोर घुसाया। चोर? चोर? आप उतर, मैंने खुद अपने कानों से देखा है। माँ जी पक्की बात है चोरी थे? नहीं नहीं, तेरे मेके वाले थे शमेला। ओ माँ जी क्या हो गया, चलो यार आओ देख लीजिए भाई, आओ चेक करें, चेक करें, आओ चलो तुम आ गए हो। तू तो कह रहा था घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। वो बुढ़िया तो अपने घर वालों को आवाज़ें दे रही थी। ओ ताज, लगता है ये लोग नए नए आए। तो फौरन निकल यहाँ से, ये ना हो वो लोग हमें पकड़ ले। हाँ चलो चलो चलो, ये तुम्हारा जूता, हमारे पास तो पिस्तौल है। हाँ है तो? ओहो ताज, तो हम तोल है ना तोल। ओ वो तो मुझे भी पता है, आगे भी तो बोल। ओफो उत्ताद, तो हम लोग उनको लूट तो नहीं रहे, अच्छा है ना, हमारी डबल तबाही हो जाएगी। वो तूने तो मेरे दिल की बात कह दी पप्पू। नहीं नहीं उत्ताद, तुम्हारे दिल की बात नहीं, भाभी तो मैंने उस दिन अपने दिल की बात नहीं थी। भाभी कहाँ से बीच में आ गई? मैं डाका डालने की बात कर रहा हूँ। थोली 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 थोली। अच्छा काम कर, तू पहले अंदर जा, मैं ना तुझे पीछे से कवर करता हूँ। हाँ, नहीं नहीं उस्ताद, पहले तुम जाओ, तुम तो ऐसे डल लो जैसे अंतर भाभी है। वाह, तू भाभी को बार बार बीच में क्यों ला रहा है? चल अंदर जा। यार पूरा घर तो देख लिया, क्या हो गया यार? माँ जी कहीं चोर नहीं है यार। अरे मोमो तुम खाम खा परेशान हो रही हो, तुम्हारा वहम होगा ना। आप लोग मुझ पे वो क्यों नहीं करते? कोई अपनी जगह से हिला तो पेजा उड़ा दूंगा। पुत्र मैं तुझे बड़ी वाली पतंग ला दूंगी, तू वो उड़ा मेरे लाल। चुप कर बुढ़िया, कोई इशारा मत करना वरना बूढ़ के रख दूंगा। क्या बोलेगा है, मटन
के चिकन। अबे उस्ताद तुम थप तो भूनते लगते ने। माँ जी प्लीज चुप हो जाए यार, इनके हाथ में गन है। ओ जानू तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। क्यों तुझे गन से डर नहीं लगता? महमू साहब बताए यार इसे। मैं क्या बताऊं भाई? ओ महमू साहब यही कि नबील खिलौनों से नहीं डरता। ओए हटाओ अपनी गने वने, अभी मैं तुम्हारे बॉस को फोन करता हूँ। नबील तुम इनके बॉस को जानते हो? अरे महमू साहब आप देखते जाइए, अभी आएगा और इन दोनों को साथ लेकर जाएगा। अबू हमारे गैंग का बॉस कौन है? ओ साहब तुम ही तो हो बहुत। बॉस तो मैं हूँ। और चुपचाप खड़ा रहा, अभी तेरे बॉस को फोन करता हूँ। सब्र कर जरा, तू एक सेकंड रुक जा, ठहर जा जरा। काल काल का, मैं अभी तो देखूं मेरा बॉस कौन है। अभी अभी ले, अभी ले। हेलो भाई करार मैले, इमरजेंसी है, जल्दी आ भाई। हाँ हाँ जल्दी आ, जल्दी आ रहा है तुम्हारा बॉस। आ रहा है, आ रहा है। हाँ महमूद साहब बताए इन्हें जरा। हाँ अभी बताता। मुझे क्यों बुलाया? ना मैंने कहाँ बुलाया तुझे? मेरे को नबी का टेलीफोन आया था, कह रहे बहुत इमरजेंसी है जल्दी पहुँचो। हाँ हाँ इमरजेंसी हो गई है जरार। करार? हाँ हाँ करार की इमरजेंसी हो गई है फरार। मैं कह रही हूँ कि हुआ क्या? वो ना बड़ी सख्त किस्म की गैस हो गई है मुझे बेकरार। करार करार करार? मैं तो बड़ी बेकरार हो रही हूँ जवान। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ओ शबश ये तू पागल हो जाएगा तो तुझे गुस्सल खाने जाना पड़ेगा बच्चू। पागल खाने जाऊंगा। हाँ तो दफा हो जा, मुझसे क्या इजाजत ले रहे? वो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, क्यों बुलाया था? तो वो तुम कफील से आके पूछ अंदर। अल्लाह मैं सच्ची मुच्ची का पागल हो जाऊंगा। अंदर चलो अम्मी, आ जाओ। आ गया तुम्हारा बॉस। ये कार्टून कौन है? ओए इसी ने भेजा था ना तुम लोगों को। चल भी करार मैले, इनको ले और चल निकल यहाँ से, चल। ये तो अपने बॉस को मार रहे हैं यार। देखो भाई ये गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हैं। बॉस मैं नहीं जानता इनको, मैं इनका बॉस नहीं हूँ। नबील इसका मतलब है कि ये असली डाकू है। डाकू? मैं चलता हूँ। चलो जितना पैसा जेवर है सब लेकर आओ, अभी के अभी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और भाई मैं तो बेरोजगार हूँ। और मेरी ना इतनी सी पेंशन आती है, वो महीने की 15 तारीख तक खत्म हो जाती है। अब तो महीने की आखिरी तारीख चल रही है भाई। ओए मैं सदके जावा, अब पड़ा हम फिर लूटेंगे किसको? ओ भाई ये बेकरार भाई को लूटो, हमने पूरे साल का किराया दिया है इनको, अभी 2 दिन पहले इनके पास बड़े पैसे। चल भाई तलाल, अपने घर फूल लगा और पैसे मनवा ले ले। ओए तू कैसे नहीं मंगवाएगा, इधर मर आके। देखा ना फिर? थैंक यू माँ जी। हाँ पर थोड़े पैसे मुझे भी दे देना। ठीक है। ओ इस रस्सियों से बांधो कहीं निकल ना जाए। पैसे तो मंगवा रहा हूँ। पैसे पैसे मंगवा मंगवा पैसे पैसे मंगवा पैसे मंगवा। अरे ऐसा चुप रही है यार। तो बालो तो बालो तुनो तुनो कबड दादो, तुमने मुंह थोला बस दे थोलो पैसे लो और बंद कर दो गेट। एक बात को तुम, तुम्हारा ना पप्पू है ना, पप्पूआ। देखो पप्पू बात ये है कि ये पैसे जो है ना ये आधे आधे होने चाहिए। वो जो करार है ना, और ये बहुत ही फ्रॉडी आदमी है, उसने मैला बड़ा जुल्म किया है। माले अंकल तू बोलो मैं तुमसे कहा है बस दे थो लो पैसे लो बस। अच्छा अच्छा दे रहा दे लाओ पैसे लाओ। नहीं 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 तुम्हें नहीं दूंगा, उस्ताद को दूंगा अंदर जाके। अच्छा चलो चलो क्या है जाओ ना। मेरे पापा की मेहनत की कमाई तुम लोगों ने मुझे मुफ्त में लुटवा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये लोग एक बार चले जाए ना तुम सब इस घर से बाहर उठा के फेंक दूंगा। अरे उस्ताद, अरे ये देखो आपके सामने कितना चिल्ला रहा है, मैं तो कहता हूँ इसकी कंठपट्टी पे गोली मारे। अरे इसे क्यों मारूं गोली, गोली तुम लोगों को ना मारूं, तुम लोगों
जिस्मों से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। देखिए हम लोग तो ठहरे गरीब मलंग दरवेश, लेकिन आप लोगों को जाने से पहले एक अदद अच्छा सा खाना जरूर खिला सकते हैं। अच्छा फिर दाओ जल्दी से और बहुत थाला थाना लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ अभी बनाते हैं। इससे पैसे तो निकलवा लेता, कैसे हो सकता है कि इनके पास कुछ भी ना हो। ताज पहले थाना था इन्दे, फिर इन तो ताज तलेंगे और इतनी लोटिया भी मैं थाऊंगा। क्या जरूरत थी इन चोरों को खाने की ऑफर करने की यार? चुप है, वो हमारे मेहमान है कल्सूम। खूबसूरत माँ जी। हाँ वो हमारे खूबसूरत से मेहमान है कल्सूम। अरे तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा, तुम दोनों ही खाना बनाओ अपने इन खूबसूरत मेहमानों के लिए। यार चुप करें आप लोग, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान? ओ जानू तुमने सुना नहीं करार ने क्या कहा है कि इन चोरों के जाते ही वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नबील। अरे तुमने खाम खा करार को चोरों का बॉस समझ के यहाँ बुला लिया, अब ढूंढते फिर ना दूसरा घर खुद ही। मैं पापा से दूसरे घर के पैसे नहीं मंगवा रही। इसीलिए टेंशन मत लो आप लोग, उन चोरों के खाने में हम ये दवा मिला देंगे। ओए जमील तू उन मासूम चोरों को जहर दे के मार डालेगा। हाँ जी ये जहर नहीं है जमाल गोटा है, ये खाने के बाद वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। और हम करार को बुझा लेंगे, हो सकता है वो खुश होकर हमें यहीं रहने दे। हाँ आइडिया तो अच्छा है नबील। जानू अब तो मानती हो ना कि तुम्हारा शौहर एक इंटेलिजेंट और ज़हीन आदमी है। हाँ तो पापा जी से कहो ना, अब तो मैं सारा कारोबार उनका संभाल सकता हूँ। शट अप नबील। ओके जानू देख रहे खाना करो। ये भी है देखो। और तुम खा तो बच्चों तुझे लग पता जाएगा। माँ जी आप लोग खाना शुरू करें ना। नो 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 नो, ये खाना तुम लोग खाओगे पहले। हम सब हम सब तो बस दिन में एक बार खाते हैं। मुझे तो वैसे भी मना है ये खाना खाना, मैं ना परहेजी खाना खाता हूँ। और मैं तो डाइट पर हूँ। अब कोई नहीं पता मैं खा लूंगी। ओ माँ जी कंट्रोल करें यार, तुम मत चाड़ो खाओ। नहीं नहीं हमें तो भूख ही नहीं है भाई। बड़े ना बोली खाओ अभी खाते। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी अभी और नहीं खाया जाएगा। मैं भी आया। समझा पप्पू? हाँ दाद, इतना मजेदार थाना था, थप थाना मेरे लिए तुत नहीं तोला। नहीं ओए, इन्होंने खाने में कुछ मिलाया था, देखा नहीं पेट पकड़ के सारे कैसे भागे हैं। वो जल्दी जा ऊपर जा तू, मैं उनके पीछे जा तू उनके पीछे जा। चलो फिर शराफत से जो पैसा रुपया है ना वो ले आओ। करार भाई के सर की कसम भाइयों, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
हम तो फकीर टाइप लोग हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ इनके गुर्दे निकाल के भेज दो उस्ताद, इन्होंने मेरा बहुत नुकसान करा है, इनका भी होना चाहिए। नुकसान आपका नहीं, मेरे बेचारे पापा का हुआ है। खबरदार अपनी जगह से कोई वो हुआ नहीं तो मैंने वो उड़ाते नहीं। क्या भाई बाबू मुझे दिखाओ, अब मैं इनका भेजा उड़ाऊंगा। है थैंक यू मारी, आपने हमें बचा लिया। अब बता बच्चू, तू हमें धमका रहा था, अब तू हमसे एक पाई भी नहीं निकलवा सकता। अरे तार निकलवाएंगे, तुम लोग तो हो ही फतील। किसने कहा हम फकीर हैं? मसूद के पास पूरे 1,00,000 रुपये रखे हैं और अभी पिछले महीने जमीला के बाप ने एक डायमंड का रिंग तो सोने की चूड़ियां बनवाई हैं और 2 सेट तो मेरे अपने पास है। हाँ अच्छा, टेंशन नहीं लो, अब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जानू, जरा पुलिस को तो फोन लगाओ। मुझे लगता है जानू पागल हो गया। ओ चाचा, जो गन तेरे पास है ना उसमें गोलियां नहीं है। इसमें तो वाकई गोली नहीं है। पर जो मेरे पास है ना इसमें गोलियां हैं, ये देख। अरे भाई मैं तो ऐसे शोखी कर रहा था, छोटा भाई समझ गए, आपने बुरा तो नहीं मनाया ना। धन इधर दे, तोलिया तो मेले पाते। शाबाश पप्पू शाबाश। चलो भाई अपने अपने कमरों में चलो, जो पैसा जेवर है सब ला कर दो। चलो 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 लेके जाओ ना। चलो 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 चलो। और तुम गोलियां तो डाल लो, डाल लो। चलो चलो सवाल पेट में डाल। नहीं नहीं डाल डाल, उधर भी हो रही है पेट में। अब मैंने कहा था ना ये अंगूठी और चूड़ियां बेच के मुझे चूड़ियों की दुकान बना दो। नहीं बना कर दी ना, चूड़ियां भी गई अंगूठी भी गई। ओके जानू भाई, सामान तो चुरा रहा है, मेरी लाइनें तो मत चुरा। ओके जानू। अच्छा अच्छा चलो बाहर चलो। उस्ताद ये माई ठीक कह रही थी, इस बलेबू वाले के तलवारी से ये पूरे 1,00,000 रुपए और तेवर निकला है। और रखे हमसे छुपा छुपा के पैसे जुराबों में। और चुप कर रहे, अब हम जा रहे हैं। खबरदार जो अगले 10 मिनट तक कमरे से बाहर निकले और हमारे पीछे पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना तो हम फिर आएंगे बदला लेने। हाँ और वैसे भी हम भूते पेट डाले, खाना ना उधार ला। तुझे पुत्र रब रखा, ख्याल रखी तो मानो खत लिखते रही। माँ जी आपका पुत्र मैं हूँ यार। ना तो यही कौन है पुत्र फिर? ए बुढ़िया जाते जाते गोली तो नहीं खानी तूने? चल पप्पू जल्दी निकल, सारे के सारे पागल है। निकल निकल निकल। अच्छा हुआ चले गए, मैंने ना जानू इनको उल्टा लटा के ना डंडों से मारना था मैंने इनको। क्या वो जो तुमने उल्टा लटा के मारना था वो डंडों से मारना था? जी। अरे रहने दो, चले गए नबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले गए चले गए। पुत्र पुत्र इसकी रस्सी ना खोली वरना ये हमें घर से निकाल देगा। मैं तो कहती हूँ उसको मार मोड़ के ना लॉन में दफना दे वरना ये हमें दर बदर कर देगा। नहीं नबी खोलो इसकी रस्सी। जानू मेरा दिल नहीं कर रहा नबी। अच्छा अच्छा जानू खोल रहा हूँ यार, ये लो ये जल्दी खोलो जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी, तुम सब के सब निकल जाओ मेरे घर से। मैं एक लफ्ज़ सुनूंगा, अपना सामान लो और दफा हो जाओ यहाँ से। करार भाई खुदा के वास्ते हमें घर से मत निकाली, मैं दोबारा आपको मैला नहीं बोलूंगा। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा बेटा। ना तुम अपनी माँ को घर से तो नहीं निकालेगा ना? ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी, तुम लोग बहुत मक्कार हो, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। या तो मेरा घर खाली करो या फिर मुझे एडवांस और किराया दोबारा दो। अच्छा ठीक है, आप कम से कम हमें 1-2 दिन की मोहलत तो दें, आपके पैसे दे देंगे करार भाई, लेकिन अभी जाए ना यहाँ से। ठीक है सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। ओ जा जा काम कर अपना, दोबारा आया तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। भाईजान वो जा चुका है। अच्छा आ जानू, तुम्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पापा जी से बोलो कोई पैसे वैसे ना भेजे। सच? हाँ जानू, बस टिकटें भेजे हम लोग और शिफ्ट हो जाएंगे जानू। शट अप नबील। ओके जानू।
ओ वैसे यार हम सब ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, मजा आ गया। अबे वो तो ठीक है, मेरे को जो तुमने सच्ची मुच्ची के चमाटे घूसे मारे, मैंने 2,000 रुपए उसके काट लिए। लोना नहीं, असल में उस्ताद हमने एक्टिंग में हकीकत तक तलल भरने दिए थप दिया है, वरना वो थमकते कि हम तुम्हारे साथ मिले हुए। ये लो तुम लोगों का हिस्सा, ये पकड़ो। और मैंने पहले ही 10,000 रुपए तुम्हारे काट लिए जो घूसे और चमाटे तुम लोगों ने मारे थे। वो वैसे बड़े ही बेवकूफ लोग थे वो, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमें किटिंग कर रहा है। ओवर एक्टर हो, हमें पता था कि तुम लोग जो है ना एक्टिंग कर रहे हो, तुम लोग हमारी एक्टिंग नहीं पकड़ पाए। कबूलदार जो आगे बढ़े, हमें चल बैस कर लीजिए ना पटाखे वाली। महमूद साहब आइए, बिस्मिल्लाह। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते।